फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और भाई आज का वीडियो है ना, जो कि है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। और भाई आज की वीडियो में ना हम हमारी एक कार लेने आ चुके हैं भाई। अब हम लेने जा रहे हैं, ये वाला कोई सीन नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार में इतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट था। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट वहीं जाकर वीडियो स्टार्ट किया जाए। सो यार भाई मैं कपड़े वगैरह बदल के आ चुका था, और भाई अब यहाँ पे आप जैसा ही देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है। और भाई ये आप जैसा जीटी देख सकते हैं, तो हाँ भाई ये फोर्ड की मस्टैंग है, मस्टैंग जीटी। सो भाई ये कार भी यहाँ पर रखी हुई है। और भाई ये जो मतलब जो नॉर्मल कार वगैरह यहाँ पर रहती है वो यहाँ पर है। और भाई अपनी जो कार है ना भाई, वो तो अब आने ही वाली है, और भाई आ ही चुकी है एक बात कह दे। सो हाँ भाई ये रही हमारी गोल्ड लैम्बोर्गिनी रेवेंटॉन। सो भाई ये वाली जो कार है ना, ये वाली बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कार है। और भाई आप जैसा कि जानते ही होंगे कि गोल्ड में ये वाली कार मिलना मतलब कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, और भाई अपना एक ड्रीम पूरा हो चुका है। सो भाई ये कार बहुत बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। भाई इस कार की जो प्राइसिंग है वो अपने एरिया में माना जाए तो मतलब इंडियन रुपीस की बात की जाए तो लगभग ये कुछ 10 करोड़ की कार है भाई। और एक्चुअली जो स्टॉक मॉडल आता है इस कार का वो कुछ 2 करोड़ का है। और भाई ये जो गोल्ड वगैरह, जो प्योर गोल्ड मतलब इसके जो मेटल यूज हुआ है ना इसके अंदर, वही भाई गोल्ड का है। मतलब इसके ऊपर कोई कोटिंग वगैरह नहीं है भाई, डायरेक्ट गोल्ड की बनी हुई है ये कार। भाई बहुत ही ज्यादा हो भाई, क्या ही लग रही है ये कार। और भाई अब चलते हैं हम इस कार को लेके। और भाई मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इतनी जल्दी कर लिए क्योंकि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था। और भाई आप देख सकते होंगे कि मेरा लेजर का कलर और भाई कार का कलर मैच हो रहा है। सो भाई अब बैठते हैं हमारी इसके कार के अंदर, और भाई अब चलते हैं, हम चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं भाई क्या लुक आते हैं इस कार के। और भाई मैं आपको इसका साउंड, इंटीरियर वगैरह सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और भाई आपने देखा होगा कि अभी डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हुआ है। सो भाई अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। सो भाई इधर थोड़ा पानी हो रहा था पर कोई बात नहीं। सो भाई अपने को गाली देके चला गया, खैर छोड़ो अभी कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, अभी हम बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। सो भाई सबसे पहले मैं आपको इसका इंटीरियर लुक दे देता हूँ। सो भाई ये कुछ ऐसी लगती है अंदर की तरफ से। सो भाई लैम्बोर्गिनी की ब्रांडिंग आती है, और भाई गोल्डन सीट कवर, भाई आप जैसा ये देख सकते हैं। सो भाई ये गोल्डन सीट कवर डले हुए हैं इसके अंदर। सो भाई ये एक्चुअली गोल्ड के नहीं है, मतलब गोल्डन कलर के हैं। सो भाई गोल्ड के कैसे ही लगेंगे। और भाई ये स्टीयरिंग व्हील और ये हमारा सामने कंट्रोल। तो भाई अब मैं आपको इस कार की जो ऑडियो है मतलब जो इंजन का साउंड है वो सुनाता हूँ, आप सुनिएगा। सो भाई बर्नआउट भी आ रहा है भाई, पीछे से फ्लेम्स निकल रही है कितनी सही। ओ भाई साहब क्या लग रही है अपनी कार। सो इधर से चलते हैं, कोई शांति वाले एरिया में चलते हैं, वहां पे हम कुछ देर खड़े रहेंगे और बातचीत करेंगे। भाई इधर चलते हैं हम। सो भाई चलते हैं जल्दी से जल्द। सो भाई मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। सो भाई देखते हैं लोगों का क्या रिव्यू आता है, यहाँ पर रोकी हमने कार। सो ये देखते हैं और क्या कहते हैं। सो भाई इनको कोई जानकारी नहीं है भाई एक्चुअली इग्नोर करके चले गए, जल्दी निकल जाओ वरना ठोक देंगे हम। सो भाई अपन तो चलते हैं जल्दी से जल्दी। सो भाई क्या भाग रही है ये कार, आपने देखा ही होगा। सो भाई इसको ऐसे नॉर्मली नहीं चला पाएंगे हम इधर, मतलब कितनी ज्यादा स्पीड कैच कर रही है भाई ये कार, आप जैसा ये देख सकते हैं। ओ भाई साहब क्या सीन हो रहा है इस कार के साथ में, तो मतलब चलाने में कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। और भाई शाम के टाइम पे जो इसका कलर आता है ना भाई, मतलब मन ही कुछ और ही हो जाता है भाई, मजे ही आ जाते हैं। मतलब गोल्डन टाइम और गोल्डन कार की कलर, भाई क्या ही बात है। सो भाई थोड़ा दूर और जाना है हमें। सो भाई आपने देखा होगा अभी 240 कुछ ऐसी पहुंच गई थी ये कार। सो भाई बहुत ही तेज चलती है भाई ये कार, क्या ही बात की जाए इस कार की। तो भाई सामने छोटी कार वाला चल रहा है भाई, यार क्या ही बुरा लग रहा है। सो भाई अब वो घर जाके वो भी सोचेगा भाई ये कैसी कार आ गई यार, मतलब भाई अपने को कुछ अलग ही फील आ रही है अभी। सो गाइस आप थोड़ी इसको साइड में लगा लेते हैं अब हम। सो कैसी प्लेन सरफेस देख लेते हैं। सो इधर तो नहीं मिलने वाला है कुछ। ओ भाई भाई मजे ही आ गए भाई, मैंने ये इसको ड्रिफ्ट कराई थी अभी, भाई क्या ड्रिफ्ट हुई है।
सो इधर आ जाते हैं अभी हम। सो भाई कोई मदद मांग रहा है, पर अभी हम मदद के लिए नहीं आए, किसी की मदद वगैरह करते हैं। सो हाँ भाई, अब हम रुक चुके हैं प्रॉपर, और ये देखो ऑटोमेटिक लग रही है भाई, क्या ही बात है। सो भाई ग्लासेस पहन लिया आज मैंने, सबसे बड़ी गलती कर दी। सो खैर वो बात तो आप छोड़ो भाई, अभी कैसी लग रही है कार आप वो बताओ। देखो मैं आपको अब बताता हूँ कैसी। ड्रोन शॉट देखिए आप इस कार के भाई, कितने सही लग रहे हैं। सो भाई यार क्या लग रही है। सो भाई अभी ड्रोन को ओपन वापस रख लेते हैं पॉकेट में। भाई अभी देखो आप भाई, कितना ही सही कलर लग रहा है। और भाई एक्चुअली ये कार खरीदने का मेरा एक और ड्रीम, मतलब मैंने इस कार को इंटरनेट पे देखा। सो भाई मैंने सोचा क्यों ना इस कार को खरीदा जाए। फिर मैं गया अपने डीलरशिप पे, वहाँ पे मैंने उनको डायरेक्ट जाते ही 1 करोड़ दे दिए, मतलब प्री बुकिंग के लिए। और भाई उनको इतना फोर्स लगाया कि भाई आपको कहाँ से भी इम्पोर्ट करना पड़े, यू जस्ट इम्पोर्ट द कार, आई विल पे यू। सो भाई वो इतनी जल्दी लेकर के आ गए इस कार को, और भाई मैंने खरीद ली ये कार। सो भाई क्या ही कार है भाई, 10 करोड़ इसकी प्राइसिंग है, और भाई मतलब 10 करोड़ के अराउंड ही है, कुछ एग्जैक्ट 10 करोड़ नहीं है। सो भाई अब तो ये कार मतलब पूरे लॉस सेंटोस में किसी के पास नहीं, अब क्या मतलब पहले भी कभी नहीं थी, और भाई अब तो ओपन किंग ऑफ द भाई क्या ही बात की जाए, लॉस सेंटोस के किंग बन गए हम। भाई अपने दो दोस्त भी हैं भाई, ट्रैवल तो इतना कुछ खास नहीं, पर फ्रैंकलिन भाई बहुत सही चल रहा है आजकल, मतलब उसका बिजनेस से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है भाई। और खैर छोड़ो, अपना ही फ्रेंड है सारे, मिल के राज करेंगे हम तो। सो भाई ऑटोमेटिक भाई ये बात तो मुझे सबसे सही लगती है। और भाई रेवनटाउन लिखी हुआ आ रहा है भाई, अभी आ गया कुछ। और प्लीज़ भाई आपको कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कार कैसी लग रही है। और भाई अब तो ये कार हम बहुत ज़्यादा चलाएंगे, और भाई बहुत ही चलाएंगे, अब क्या ही बात करें। सो अब घर पे जाते हैं अब हम, और भाई ये था आज का वीडियो, और बहुत दूर जाना है अब तो भाई, अभी तो एंड करते हैं इसमें। और आपको मैं एक बार साउंड सुना देता हूँ कार का, सुनिएगा। सो भाई क्या मस्त फ्लेम निकल रही है भाई। और हाँ भाई मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर बुरी लगी तो भी शुक्रिया भाई, मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए अगले वीडियो में। और भाई मेरे को एक्चुअली ऐसे कोई इमीडिएट आइडिया नहीं आता है कि किस चीज़ पर वीडियो बनाए भाई, तो मैंने सोचा कि ये इस चीज़ पर वीडियो बनाए। और भाई माइकल की भी इच्छा हो रही थी, तो भाई यार कार खरीद ली, वीडियो बना लिया। आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो किस चीज़ पर हो। सो भाई आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। और भाई हाँ पूरा वीडियो देखे बगैर नहीं छोड़िए। और भाई वैसे अगर आपने एंडिंग तक देखा होगा तभी आप मेरी बातें सुन पाएंगे। सो भाई अगले वीडियो में आपको मैं इस कार की पूरी डिटेल प्लस बुगाटी शिरोन का अपडेट का वीडियो भी डालने वाला हूँ। सो भाई जुड़े रहिएगा, और मिलते हैं अब अगले वीडियो।